सलामती है सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं उन कानों पे जो जिक्र ख़ैर के मंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है असलम वरहल वबरकू तमाम तारीफें खुदाए बुज़ुर्ग बर्तर के लिए जो वाहद्ल शरीक है ना कोई सानी है न कोई हमसर है दरूद लामहदूद महबूब रबुलदूद राहती मुरादुलमशताक़ी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी पाक आपके जानसार अंसार और अब पर जरमान आप देख रहे हैं अलफलामीम मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तय दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद खबिन हजरात आज मैं बहुत ही खास मौजू के ऊपर गुफतु करने का ख्वाहिशमंद हूँ और ख़ुद को खामोश रखते हुए इंतहाई जब्त के साथ उस अकीदे के ऊपर गुफगू करना चाहता हूँ जो ज़रूरी भी है और उसकी ज़रूरत भी है यकीन हम बहस मुसलमान ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह रबुल्जत एक है वैसे ही हम ईमान मानते हैं यानी यकीन रखते हैं कि मोहम्मद रसूल खुदा सल्हु वसल्लम उसके रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं लिहाजा हमने इस आयत को कई मरतबा पढ़ा है बहुत सारे लोगों ने मख्तलिफीलत निकाली ये ज़रूरी है कि इसकी असल तफसीर और असल हमत के साथ बयाँ हो लिहाजा पाकिस्तान में ये देखा गया कि जहाँ मुख्तलिफ आरा सामने आई वहाँ पर एक मजबूत और अकीदे वाली राय सामने आई जिसका दिफा भी किया गया पाकिस्तान का कानून भी बनाया गया और ये बताया गया कि अकीद खत्म नबूत हमारे ईमान का वो हिस्सा है कि जिसमें हम इसराब नहीं ला सकते तज़ब्ज़ुब नहीं ला सकते तद्द नहीं ला सकते यकीन हम आज भी अपनी नस्लों को यही पैगाम देने के लिए इस प्रोग्राम को तरतीब दे रहे हैं मैं इंतहाई खुशकस्मत महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि जहां सितंबर के इस असरे में और ख़ास तौर से इन दिनों में इस प्रोग्राम को तरतीब दिया जा रहा है वहां उन अफराद का जिक्र भी होना लाजमी होगा और उन शख्सियात की बदौलत यानी जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जिन्होंने इस पर वाक मेहनत की है काम किया है और बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मैं सबसे पहले खुश आमद करना चाहता हूँ जहाँ पर बात हो रही है खत्म नबूत के हवाले से आपकी ज़िंदगी ही इस पूरे कारनामे के लिए इस मिशन के लिए वस्फ़ हो गई है सर्फ़ हो गई है डेडिकेटेड हो गई है और आपने शायद उस उम्र से इसका आगाज़ किया जब आपकी दाढ़ी काली थी जवान उम्र थी और ख़ास तौर से जब बच्चे बहुत दीगर चीज़ों में लग जाते हैं आपने इस मिशन पर लगकर अपनी पूरी ज़िंदगी वफ़ कर दी ने हक़ की बुलंदी के लिए आपने खिदमत फरमाई है मौलाना अल्लाह वसाया अलमैम वरम वालक अल्लाम वरहमत लाला त आपको खुश आमदी कहना चाहता हूं और आज के हमारे दूसरे मेहमान आपके खानवादे का ये सिलसिला रहा है बल्कि ये खासा रहा है कि आपने हमेशा अक़ीदत और मोहब्बत और मबदत का पैगाम दिया है आपने जहाँ अलैहि सलील वसल्लम की तलीमत को नशर किया है उसकी अशात की है तबलीग की है वहाँ ये भी बताया है कि ये हमारा ही फरीज़ा है कि हम दिफा करें सरकार की अज़मत का आपकी नामूस का और फिर आपकी ख़तम नबूत का मैं खुश आमद करना चाहता हूँ एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दरमियान मौजूद सैद मुकर अशरफ समनानी को सलामकम वरह वैलिकम्सम वरम त मैं मौलाना साहब सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ बहसत एक सहाफ़ी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जब कहते हैं अक़दा ख़त में नबूत इससे मुराद क्या है इसकी जद्दोजहद का आगाज़ कब से हुआ और इसकी आज ज़रूरत क्या है कुरून के ज़माने से आज तक जितने मुसलमान हैं अक्सर बेशतर हम अपनी औलाद को एक मुसलमान होने के नाते छोटे बच्चों को घर पर जो दिनी ज़रूरी तालीम देते हैं मसाइल सिखलाते हैं उनमें एक ईमान मुफसल भी है और एक ईमान मुजमल भी वो जो ईमान मुफसल है आमन तो बिल्ला व मला ही व वकुतब ही व रसुल इसके अंदर सात इस्लाम के बुनियादी अकायद का ज़िक्र है जिनको माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता अल्लाह रब्लत को वाहदा शशर्क माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता तमाम फरिश्तों को माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता तमाम आसमानी किताबों को माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता तमाम रसूलों को माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता तकदीर को माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता मरने के बाद जी उठने को माने बग़ैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता और कल क्यामत के दिन को माने बग़ैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता ये सात बुनियादी अकायद हैं और हमारे इल्मुल कलाम ने इस उसकी थोड़ी सी वजाहत दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात को मानने का माना यह है कि मुसलमान वो होगा जो अल्लाह ताला को उसकी ज़ात और सिफात में वाहद शरीक माने इसी तरह ईमान बिर रसुल उसकी भी उन्होंने वजाहत दी जैसे अलाम मिस्री नजैम अलैह सदियों पहले अल अलशबाब नजाइर के अंदर उन्होंने लिखा है कि जो शख्स रहमत आलम सल्ला, जो शख़्स ये नहीं जानता कि हुजूर हज़ूराम आखिरी नबी हैं वो मुसलमान नहीं तो तमाम अम्बियाँ को सैदा आदमी से लेकर सैदना मसीह अबिन मरियम तक सिर्फ अल्लाह का रसूल मानना काफ़ी है रहामत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल रब्ल का आखिरी नबी मानना ज़रूरी है इसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता इस पर कुरान मजीद की एक सौ आयात करीमा पैगम्बर इस्लाम की दो सौ दस अहदीस और सैद ना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तुके अहद खिलाफत में सबसे पहले उम्मत का अजमा इसी मन अकीदे पर मनकद हुआ कि हजूराम के बाद जो शख्स नबूत का दावा करे वो मुस्लिम सोसाइटी का हिस्सा नहीं।, नहीं तो खैरक्रून के ज़माने से लेकर आज तक और आज से लेकर क्या तक ये वो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है जिसे माने बगैर तस्लीम किए बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता यही वजह है कि इसकी हसासियत पर पूरी उम्मत जब ज़रूरत पड़ती है यकजान यकजा है। हो जाती है तो ये इसका बहस ये है हमने यकीनन इसका खूबसूरत मुजाहरा देखा ख़ास तौर से उस वक्त जब आइन पाकिस्तान में इसका इजाफ़ा हुआ और वाज तौर पर हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी ख़िदमत अंजाम दी मगर मैं जानना चाहता हूँ सैद मुकरम से कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से इसकी खिदमत की है और वो जब सारा ही इस्लाम एक पेज पर पे खड़ा था तमाम मसालिक एक पेज पर पे खड़े थे वहाँ बुज़ुर्गों की रविश क्या थी उनका किरदार क्या था और किस तरह वो कामयाब हुए रनिम अपनी गुफ्तु को शुरू कुर मजीद उस की उसिया मुबारक से करूँगा कि अबालमीन जसालबाल ने फरमाया काना रसूल महमदाह व ख़ात नबी की कि एक ऐसी दलील क़ुरान मजीद की है कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और इसी पर हमारा ईमान है अकीदा है अगर तारीख का मताल करें तो उन्नीस सौ आठ यानी अट्ठारह सौ 87 से आप देखें तो उस वक्त से इनकारी ख़त नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ और मख्तलफ दाई जो है वो आए मैदान में कि जिन्होंने नबी पाक वसलाम की ख़म नबूवत पर हमले किए और अपने आप को नबी कहलवाया कभी मसीह मऊद के नाम से आए माद कभी किसी और नाम से तो ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ सबसे पहले जिस शख्सियत ने इनका तक़ुब किया वो गुलाम दस्तगीर कसूरी रमतल ताल की ज़ा वाला सिफ़ा कि आपने इनका ताक़ुब किया और सबसे पहले इनके लिए लिखा और इनके ख़िलाफ़ यानी कि जो दीन के खिलाफ जो काम कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ आपने लिखा कि नबी पाक वसलाम की जो में नबूत पर जो लोग हमले कर रहे हैं उसके खिलाफ हज़रत दस्तगीर कसूरी रहमतल ताल फिर उसके बाद नहायत ही मोतबर नाम पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में की एक मशहूर वरूफ़ शख्सियत हज़रत ख़्वाजा ख़ाजगाम पीर मेहर अली शाहबर नव्वर मरकद की ज़्यादात वाला से फात की जिन्होंने शमसु हदाय में सैफ़ चश्तियाई में रसूल में इन तमाम फितनों का ताकुब किया और जितने भी इंकार ख़त्म नबूबत के दावे करने वाले थे उन सब का बेहतरीन ताक़ु फरमा कर उनके उन बातिल नज़रियात को चकनाचूर कर दिया हो और बाकायदा आपने ये भी फरमाया एक जगह कि अगर तुम मुबाहले के लिए आना चाहते हो तो मुबाहले के लिए आ जाओ अच्छा। मनाजरे के लिए आना चाहते हो तो मुनाजरे के लिए आ जाओ अच्छा। हमें तारीख़ में ये वाक़ हमें मिलते हैं तो उस वक्त से येमा अहलसन्नत सवाद आजम अहलसन्नत ने इन सब का तौक़ब करना शुरू हुआ और अच्छा। फिर बाद में ये तहरीक चलती रही फिर आप अगर आगे लेके चलें तो नाइनटीन सेवेंटी फोर में फिर बायदा तौर पर आइन पाकिस्तान में वो शक शामिल की गई कि जो नबी पाक सलाम की इस खत्म नबूत पर ईमान नहीं रखता वो मुस्लिम सोसाइटी का मुसलमानों का हिस्सा नहीं है बल्कि वो एक अलग मजहब और एक अलग फ़िरका कहलाने सही बिल्कुल ठीक फिर मारे हैं आपने और हम इस प्रोग्राम में ज़ाहिर वो बोल रहे हैं जो आइन पाकिस्तान है हम इस हवाले से गुफगू करते हुए इंतहाई इतमान और यकीन के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि हर किसी मकसद नहीं है कि किसी को तंग करें या किसी के ख़िलाफ़ बात करें बल्कि हम अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं ये सवाल तो मैंने ख़ास तौर से मौलाना अल्लाह वसा साहब से पूछना है कि क्या इस अकीदे का मतलब इश्तियाल है तफरका है इत्लाफ की वो नहज है कि हम एक दूसरे को बुरा भुला कहें या फिर कोई और मकासद है हम लौट कर आएँगे एक मख्सर तो वफा खवाीन हजरात अल फमी है कि आप आएँ क्योंकि आज का प्रोग्राम इंतहाई संजीदा और तवज्जो तलब है आपका इंतज़ार रहेगा अज़रमन वैसे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मगर अगर बिलखसूस कराची में आप रहते हैं तो आप नुमाइश से गुजरे होंगे और वहाँ पर यकीन आलमी मजलिस तहफु ख़त्म नबूत का आपके सामने आना और फिर इस अकीदे पर आपको बरजमान रखना तोल के साथ वहाँ आपको दावत भी दी जाती है और इस पर क्लासेस कोर्सेज़ और लैक्चर्स भी दिए जाते हैं बड़ा काम होता है लिहाजा हमने ये ख्वाहिश का इसका इजहार किया है कि जाल ने और इसमें कोई तरद ना रहे मौलाना अल्लाह वसा साहब के जब हम बात करते हैं ख़त्म नबूत की तो गोया हम सोसाइटी में कोई तफरका डालना चाहते हैं हमने देखा है कि लोग दीन के नाम पर बड़ा इश्ताल डालते हैं नफ़रतों का इजहार करते हैं इस अकीदे की सही तर्जुमानी किस अंदाज से होनी चाहिए पाकिस्तान के मुश्वर हजरतब मरहूम ने बड़ी वजाहत और सराहत के साथ इस अमर का एतराफ़ किया कि राममत आलम अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बायस आपके खातमन नबी होने की वजह से अल्लाह ताला ने उम्मत को हुजूर हज़ूराम की उम्मत को तकसीम से बचा दिया उनका कहना यह है कि अकीदा खत्म नबत के बायस रहमत आलम सल्ला व्ल् की उम्म वहादत की एक ऐसी लड़ी के अंदर परोई हुई है कि जिसके बायस उम्मत हर किस्म के इंतशार और इफ्तराक से महफूज़ है इसलिए कि नबूवत के बदलने से उम्मत बदल जाया करती है हज़रत मूसा सलाम को जिन्होंने माना वो यहूदी कहलाए सैयदना मसीह को जिन्होंने माना उन यहूदियों में से वो उनसे से निकल कर ईसाइत में दाखिल हो गए आगे चल कर जिन मसी हज़रा ने रहमत आलम सल्लम को माना तो हजूर सलाम को मानते ही वो मसीहत से निकल कर इस्लाम में दाखिल हो गए अब खुदा न करे अगर रहमत आलम सल्लम के बाद किसी और को बतौर नबी के तस्लीम कर लिया जाए तो फिर उम्मत के दो हिस्से हो जाएंगे बाज़ वो होंगे जो रहमत आलम की ताकद के साथ ख़ास रहेंगे बाज़ जो उसको कबूल करेंगे तो ये उम्मत तकसीम हो जाएगी तो अल्लाह इकबाल कहते हैं कि ख़त्म अकीद नबूत के तहफ़ में हज़ूराम की उम्मत की वाहदत का राज मुजमर है चुनाचे ये दलील है इस अमर की कि आप इस पर तो करें कि सैदिन असद्दी के अकबर से लेकर हमारे मौलाना तक आज पूरी उम्मत और इन से लेकर क्या की सुबह तक हम जो सब रहमत आलम वसल्लम के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं ये सब सदका है हुजूर सरवर कहना से खत्म नब्द का तो ये उम्मत के इतिहाद का बायस है ना कि इंतशार का अभी हज़रत मौलाना ने इरशाद फरमाया मैं सौ फ़ीसद उनकी बात से इत्फाक़ करता हूँ कि जिस वक्त मिर्ज़ा कादानी ने नबूत का एलान किया मसी मसी मऊद होने का ऐलान किया तब हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी लुधियाना आगे चल कर मौलना मोहम्मद हुसैन भटालवी हजरत मौलाना पीर मेहर अली साहब गोलडवी तो आप देखेंगे कि इसमें पूरी उम्मत के जितने तबकात हैं सब की भरपूर नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है मसलन उन्नीस सौ चौहत्तर की उन्नीस सौ तिरपन की तहरीक खत्म को देखें हज़रत अल्लामा अबल हसनत रहा व बरेलवी मकतबिक्र के जयद आलम दीन थे और वो उस वक्त आल पार्टीज़ मरकज़ी अमल के सरबराह थे उस वक्त आल पार्टीज़ मजल आल पार्टीज खत्म नबूत जो अमल थी उसके सेक्रेटरी जनरल वो शिया मकतबिक्र से ताल्लुक रखते थे और उनका नाम सैद मुजफ़रली शमसी था उसी के साथ मौलाना दाऊद गज़न भी थे वो बरेलवी मकतब फ़िक्र से थे मौलाना अहमद अली लाहौरी सैदाउल शाह बुखारी वो देवबंदी मसलक से थे आप फिर उन्नीस सौ चौहत्तर की तहारीक की तरफ़ आए तो जहाँ इस स्टेज पर आपको हज़रत नूरानी मियाँ नज़र आएँगे वहाँ हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद भी नज़र आएँगे शेख हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी भी उसी के अंदर सैयद मुजफ्फर अली शमसी शाह साहब शिया होने के नाते मौलाना एहसान जहीर और ये हजरात जो है वो वह अहदीस मकतब फ़िक्र के हवाले से तो ये बात कहना करीन इंसाफ नहीं कि इस मसले को बयान करने की वजह से उम्मत के अंदर तफरका बढ़ता है बल्कि ये वाद प्लेटफार्म है जिस पर रहमत आलम की पूरी उम्मत हुजूर सरवर कायनात के हुजूर हदीया की कीदत पेश करती है यह ना कि ये इख्लाफ का बायस नहीं ये इतफ़ाक़ और उम्मत आ, का प्लेटफार्म खूबसूरत आपने यकीन जिस तरह से जिस गुलदस्ते का जिक्र किया है इसमें तो सारे ही फूल हैं बल्कि मैं कहूँगा कि वो फूल हैं कि जो समर भी देते हैं जो फल भी देते हैं और ये सिलसिला कायम दायम रहना चाहिए आ, मगर ये कि आ, मैं हजरत से पूछना चाहता हूँ किबला नई नसल को इससे कोई गर्ज़ नहीं है हम देखते हैं कि इलाहा का भी एक फ़लसफ़ा है अब तो ये बातें बहुत ज़्यादा पुरानी होती जा रही हैं किस अंदाज़ से ये बताया जाए ख़ास तौर से हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज़ में और दीगर तबक़ात में कि रसूल ख़ुदा सल्हुस आखिरी नबी हैं और यहाँ तक कि हज़रत इमाम महदी का जहूर भी होगा तो वो आपके आपके खानबादे से हैं और आपके नुमाइंदा बनकर आ रहे हैं ना कि बहसत नबी बसम बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया और आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम नौजवान नसल को अकद ख़त्म नबूवत पर यकजा करें और उन्हें बताएँ कि ये अकीदा कितना ज़रूरी और अहम है जैसे हज़रत ने गुफ्तु के अबतदा ही फरमाया था कि ये बुनियाद है और अगर बुनियाद से हट गया तो इसका मतलब है वो दीन इस्लाम से हट गया हट रहा है सही तो आज मामला ये हुआ कि मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें बयान की गई और इस तरह का पेश किया गया है कि जैसे ये अकीदा बिल्कुल ही जैसे एक लायानी तौर पर है कि इस पर कोई अकीदा रखना और वो करना ज़रूरी नहीं सब एक हैं और सब इस तरह हैं नहीं नबी पाक वसमाम की उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुनफरद मकाम और मरतबा अदा फरमाया वजह क्या हुई कि इस मुनफरद मकाम और मरतबे को हमने समझा नहीं हमारी नौजवान नसल ने नहीं समझा कि उम्मत मुहम्मदिया को कितने एजाद अता हो और किसकी वजह से ताजदार कायनत सल्ला वसलम की वजह से तो जब उन्हीं की ज़ात मुबारक पर उंगली कोई उठा ले उनकी शान में गुस्ताखी करे इस ख़त्म नबूत के ताज पर उंगलियाँ उठाए तो फिर तो ज़ाहिर ईमान ही मुतजल हो जाता है और फिर वो जो नौजवान हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पाता कि भई क्या मामला है सही तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह हमारे सुन्नत ने कुर्बानियाँ दी खत्म नबूत के लिए वो बताई जाए सात सितम्बर के दिन कॉन्फ्रेंसिस की जाए उसमें बताया जाए कि किस तरह उल्मा हका ने इस कार खैर में अपने बिल्कुल अपनी अपनी जो तमाम तर खदम थी वो दी और फिर इसी के साथ साथ एक जो सबसे अहम जरूरी चीज़ कि आइन पाकिस्तान को समझाया जाए आइन पाकिस्तान को समझाया जाए कि जो शिक उसमें शामिल की गई सबसे अहम चीज़ कि वो शिक क्या थी सही है किस बुनियाद पर इनकार ख़त्म नबूवत वालों को है। जो है वो मुसलमानों मुस्लिम करार दिया गया उनको उन्हें टाइम दिया गया ऐसा नहीं हुआ कि भई इजलास मन्क़द हुआ और साइन हो गए वजी अदम ने सब ने साइन नहीं उन्हें बाकायदा जो है वो टाइम दिया गया कि एक साहब को 11 दिन का टाइम दिया दूसरे एक लाहौरी ग्रुप था उसे दो दिन का टाइम दिया गया उन्होंने बाकायदा डिबेट की फिर उसके बाद जा फिर

मुबाशा हो मनाजरा हो किसी दलील पर कायम करें या हो जाए जहाँ तक डिबेट का ताल्लुक है कि कादियानी जमात के अकायद क्या हैं इस्लाम क्या कहता है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं तो नेशनल असम्बली के फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले दुनिया भर की अदालतों के फैसले के बाद इसकी जरूरत बाकी नहीं रहती नहीं रहती लेकिन अगर कोई कादियानी ऐसा कि जो ग़लती की वजह से उसने काद इख्तियार की वो इस मसले को समझना चाहे तो उसी इस ज़रूरत को ज़रूर बरकरार रखा जाएगा अच्छा। कि प्राइवेट तौर पर उसे आम मुनाजरे की बजाय घर बैठा कर उसे दलाइल की दुनिया में समझाया जाए कि तुमने तो जो रास्ता इख्तियार किया है वो गलत है उसे ईमान की दावत दी जाए इस हद हाँ तक इस जरूरत को साफ़ी ठीक है खूब। मैं एक मख्तसर से वफ़े की तरफ जा रहा हूँ खवातिन हजरात जब मैं लौट कर आऊँगा मजीद इस पर गुफग करूँगा बहुत अहम संजीदा और तवज्जो तलब प्रोग्राम अभी जारी है और कुछ खास सवाल मेरे पास बाकी हैं लामी में आपका इंतज़ार है खवादिन तो हजरा वैसे सात सितंबर को तो एक तारीख़ी हैसियत हासिल है इससे कबल पच्चीस अगस्त पर भी हमने ये बात की है मगर कोई भी दिन हो किसी भी दिन आप इस अकीदे से दूर तो नहीं जा सकते कि अल्लाह का रसूल जो सरकारी खती मरतबा का मकाम और मरतबा है वो आखिरी और इसके बाद कोई आने वाला नहीं है यकीन इससे हर लम्हा हर लहजा आपको जुड़ा रहना पड़ेगा मैं अला वसा साहब से पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब आज जिस सदी में हम दाखिल हो गए टेक्नोलॉजी का दौर है हमने तो ये बात तय कर दी ना गोया असम्बली तक बात चली गई और उसके बाद सारे नतज आ गए अब इस मिशन को जारी रखने की क्या ज़रूरत है आखिर ये तहरीक अपने मनतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच जाती मैं दरख्वास करता हूँ कि जहाँ तक कादियानियों के अकीदे से मतलब उनका जो शरी हुकम था वो तो अभी ज़िक्र हो चुका कि फ़लाँ फ़लाँ हजरातमा ने और फिर उनकी क्यादत में वो बम्बई से लेकर कराची तक कराची से कलकत्ता और काबुल से लेकर कोयटा तक इस पूरे ख़त्े के छः सौ जैद अकाबिरलमा ये हज़रत मौलाना पीर मेहर अली शाह फ़लॉँ फ़लं ये बतौर मिसाल के पे कि इस सतह की हमारी दीनी क्यादत ने तमाम मकात बफ़िक ने छः सौल अकर ने फ़तवा दे दिया था लेकिन उसके बाद बहावलपुर की अदालत है भागलपुर की अदालत है अलाहाबाद है मद्रास है वहाँ के हाईकोर्ट जनूबी अफ्रीका रबत आलम इस्लामी अगर हमारे फ्री के मुखालफ में इंसाफ नाम की कोई चीज़ होती तो वो इसको देखते कि उम्मत के तमाम तर प्लेटफार्मों ने और अथार्टीज़ ने उनके मतलक़ ऐलान कर दिया कि जो शख्स रहमत आलम को आखिरी नबी नहीं समझता वो हुल इस्लाम में शामिल नहीं फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने फ़ैसला दिया जैसा कि मौलान ने फरमाया कि इस, इस तफसील के साथ तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कादनी हमारे पार्लियामेंट के फ़ैसले को अदालतों के फैसले को तस्लीम कर लेते तो ये हमारा जो है ये हमारी तहरीक गोया कि अपने मनतकी अंजाम तक पहुँच गई हम फारे हो गए वो अब उनकी मर्ज़ी है चाहे वो बतौर गैर मुसलम के वक्त गुजारें चाहे जो है वो अपना मुसलमानों के जो है वो अपना धारे के अंदर शरीक होकर कौमी धारे में शरीक होकर इस्लाम कबूल करने का एलान करें लेकिन... लेकिन इससे पहले सर सैद अहमद ख़ान और मौलाना कलाम आज़ाद ये भी तो लोग थे जिनकी राय हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो आ, म, मुझे एक सेकेंड इजाज़ दे दें मैं उस बात को पूरा कर लूँ लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फैसले के बाद बजाय एस के के इस फैसले को तस्लीम करते उन्होंने इस फैसले से बगावत का रास्ता अख्तियार किया आन कहता है कि कादियानी मुसलमान नहीं वो हजरात कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम हकीकी मुसलमान हैं बाकी मुसलमान सरकारी मुसलमान हैं तो इसकी वजह से निज़ाम तो पैदा हुआ पहले उनको जो उन पर जो फतवा लगा वो ये कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अब पाकिस्तान से बगावत के इरतकब के बायस भी ठीक है उनका जुर्म और संगीन हो गया है तो उसके लिए ज़रूरत है कि वो इस तरह की जो अपना उनकी सरगर्मी हैं उससे अहल इस्लाम को बबर करने के लिए जो इस जद की ज़रूरत है और हम इन मराहल से गुजर रहे हैं ठीक ठीक है ठीक है, है, है वो मुख्तफ आरा वाला सवाल जो मैंने पूछ लिया उसका भी मुख्तर अगर जवाब मिल जाए कि हमने देखें कुछ ऐसे बुजुर्ग रहे हैं जो शायद तजफ्जुका शिकार रहे हैं कादिया एक ये है कि वो कादिया नेत के मसले के मतलब तजुज़ुब का शिकार हूँ ये तो मैं तस्लीम नहीं करता जी इसलिए कि मौलाना अबलकलाम आज़ाद हूँ या सर सैद अहमद उन्होंने ख़ुद सर सैद अहमद साहब का यह अपना कौल मौजूद है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद की नबोवत के मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है तो उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा ग़ल अहमद के इाम उस उसकी किताबों की तरह हैं जो न दीन के काम के हैं न दुनिया के काम के तो ये चीज़ें वजाहत के साथ मौजूद हैं और वो सारे हजरात यही तस्लीम करते हैं कि जो शख रहामत आलम को आखिरी नबी नहीं समझता दुनिया में एक मुसलमान भी ऐसा नहीं जो ये कहे कि हजूर को आखिरी नबी ना मानने वाला भी मुसलमान है एक आदमी ऐसा पेश नहीं किया जा सकता सही सैद मुकरम अशरफ़ी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा और उसके बाद अलविदा कहूँगा ऐसा क्यों है कि आज के दौर में भी कोई भी अगर ऐसी चीज़ आती है जिसको हम फितना कहते हैं वो बहुत जल्दी प्रोपागेंडा के शिकार होती यानी बढ़ती है और उसको दीगर ममालिक में बड़ी तकवीत मिलती है और फिर हम देखते हैं कि उसको दिन ब दिन ग्रोथ भी मिल रही होती है इससे बरक्स हम जिस हक़ की बात कर रहे हैं उस पर इतना काम होता नज़र नहीं आता मामला यह है कि आप जानते हैं कि दीन इस्लाम से अदावत नफरत आज आलमी तौर पर फैलाई जा रही है कहीं दहशतगर्दी के नाम पर कहीं और किसी फितने को लेकर अच्छा वो फितना तो पैदा किया जाता है फिर उस फितने की पूरे आलम में तशहर की जाती जबकि अगर मैं ये समझता हूँ कि नबी पाक पाकला वसलाम की सीरत मुबारक का अगर किसी ने खुद मतलब किया हो तो वो समझ ले कि मुसलमान असल ये है।, सही है और ऐसा हुआ भी है, सही है। कि यहाँ वालों ने नहीं, गैर मुसलिमों ने भी मेरे आका जाने कौन सल्ला वसलम की तारीफ की और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है आपने कहा कि उसके बरस दीन के काम और वो लेकिन अलहमदिल्ला वो काम भी जारी मुफ्ती मोहम्मद ने तक देख रहा था तो सत्रह नबूवत पर और उसमे तमाम आलमीन से जो फतवे आए थे वो सब जमा किए सबके जो राय थी वो जमा किये की सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं इसके अलावा जितने भी अच्छा। शाम इराक़ मिसिर जामतर सही। शाम उन बड़ा, काम है। की बड़ा काम है वो सारी चीज़ें बड़ा काम है बड़ा काम है मैं मेरे पास तेज़ दस भी नहीं रहे जिस पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता मगर जहा मौलाना अल्लाह वसा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सैयद मुकरम अशरफी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक सवाल शायद दस के अंदर जवाब मिल जाए तो शायद प्रोग्राम ना भी कटे कोई कीमत जो आपको अदा की जाए और आपके आपसे कहा जाए कि इस अकीदे से दसबरदार हो जाए है कोई ऐसी कीमत दुनिया और आसमान में रहमत आलम की रूह आलम है रहमत आलमलम के अीद ख़त में नज़रअंदाज करना बराह रास्त पैगम्बर इस्लाम की तत से अपने तल्लक़ को मुनक़ करना है तो सारी काय को छोड़ा जा सकता है पैगम्बर इस्लाम्स मेरा शक्रिया उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पर काम किया मौराना साहब का बहुत शुक्रिया और सैद मुकरम शफी का बहुत बहुत शक्रिया अपना ख्याल रखेंगे आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पास्तान का अल्लाह के फरमान का अल्लाह की अमान में